एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बायो होप बेटा आज मैं आपको क्लास टेंथ का जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस चैप्टर का इसका पहला वीडियो हम आपको अभी जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का था पूरा एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम उस डाइजेस्टिव सिस्टम उस वीडियो में हमने समझाया उसका थोड़ा पार्ट उस वीडियो में हम नहीं समझा पाए थे जो अब हम उसके लिए नया वीडियो बना रहे हैं आपके लिए बक्कल का बेटी ठीक है इस बकल कैविटी को पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ इसकी जानकारी बच्चों को पहुँचेगी क्योंकि इसमें से कुछ एम हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं इसलिए इसको समझना बच्चों को बहुत ज़रूरी है क्लास टेल्थ के बच्चों को ठीक है वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी चीज़ में मिस ना हो और अच्छे से उसे समझ पाएँ देखिए स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी ये वाला पोर्शन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था जो पिछला वीडियो हमने अपलोड किया था आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक बक्कल कैविटी ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है पहले मैं आपको बता दूं बक्कल कैविटी होती क्या है <coughs> देखिए बेटा बक्कल कैविटी ये हमारे जो दो लिप होते हैं इनको जब मैं इसे ओपन करूँगा आ तो जो भी चीज़ अंदर इस माउथ मौ, मौ, के अंदर दिखाई देती है जैसे माउथ को ओपन करते हैं आ तो जो भी चीज़ अंदर दिखाई दे रही है टीथ टंग और ये ऊपर और नीचे पैलेट तो टीथ टंग और पैलेट तीन चीज़ें मेन है जो बकल कैविटी में दिखाई देती है हमको देखिए यहाँ पर बकल कैविटी में हम पैलेट को स्टडी करेंगे टीथ को स्टडी करेंगे और टंग को स्टडी करेंगे बच्चे सबसे पहले पैलेट को लेते हैं बेटा पैलेट दो तरह के होते हैं एक्चुअली देर आर टू काइंड ऑफ पैलेट नंबर वन सॉफ्ट पैलेट नंबर टू हार्ड पैलेट तो एक सॉफ्ट पैलेट है और दूसरे हार्ड पैलेट है ये आपको ध्यान रखना चाहिए सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट क्यों है क्योंकि उसमें बोन्स नहीं होती हैं बेटा ड्यू टू द दबसेन्स ऑफ बोन्स ये जो हमारा पैलेट होता है जिसे हम हिंदी में तालू के नाम से जानते हैं तालू अक्सर लोग घरों में जिक्र करते हैं तो पैलेट का मतलब तालू होता है हिंदी में बेटा तो सॉफ्ट पैलेट ड्यू टू तो अपसेंस ऑफ बोन्स इट इज़ सॉफ्ट ठीक है ये सॉफ्ट क्यों है क्योंकि यहाँ बोन्स नहीं पाई जाती कौन सी बोन्स की बात कर रहा हूँ पीरी एंड मैगजिली बोन्स की बात कर रहा हूँ मैग्जिला बोन्स की बात कर रहा हूँ हार्ड पैलेट हार्ड इसलिए होता है कि वहाँ पर मैगजिला बोन्स मौजूद होती हैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ दोनों पैलेट समझाने का ये जो हमारा अपर जा है ये ऊपर का जबड़ा और ये लोअर जा निचला जबड़ा अपर जा के बिल्कुल पीछे इन टीत के पीछे अपनी टंग का ये आगे वाला हिस्सा टंग उससे टी, लगाइए टीत के पिछले वाले हिस्से से इन दांतों के पीछे लगाइए ऐसे तो टंग का जो टिप है वो हम टीत के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में लगाइए लगा लिया फिर तो हल्के हल्के उसे ऊपर को लाइए बहुत धीरे धीरे आप देखिए कुछ हल्के हल्के ब्रेकर से नज़र आ रहे हैं वहाँ पे आपके अंदर जबड़े में अपर जा में वो हमारा हार्ड पैलेट है क्योंकि वहाँ पर जो ब्रेकर से नज़र आ रहे हैं वहाँ पर मैगजिलारी बोन्स मौजूद हैं री एंड मैगजिलरी बोन्स मौजूद हैं जिनकी वजह से वो पैलेट हार्ड होता है फिर उसी टंग को और पीछे ले जाइए अंदर तक अपने घाटी तक लेके जाइए अंदर को तो आप देखिए जितना पीछे को टंग को लेके जा रहे हैं उतना सॉफ्ट एरिया आ रहा है उस जगह पर उस सॉफ़्ट एरिया में बोन्स नहीं होती इसलिए वो सॉफ्ट होता है तो दो बातें समझ में आ गई इस अपर जाके टीथ के पीछे जब हम टंग को टच करते हैं और धीरे धीरे ऊपर को उठाते हैं तो हमें जो थोड़ा सा हार्डनेस महसूस होती है वो मैक्सिला बोन्स की वजह से होती है मैगजी बोन्स की वजह से जिसकी वजह से हम उसे हार्ड पैलेट बोलते हैं थोड़ा और पीछे टंग को लेके जाते हैं तो वहाँ पर बोन्स नहीं पाई जाती इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है इट इज़ ड्यू टू अपसेंस ऑफ बोन्स सॉफ्ट पहले से सॉफ्ट याद रखेगा तो पैलेट समझ में आ गया दो तरह के एक सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट ठीक है बच्चों अब बात करेंगे टीथ की ये टीथ हमारे टीथ की बात करेंगे टीथ के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ हमारे शरीर में जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो भी हमारे टीथ में मौजूद होता है विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में बच्चे सब समझ लें उस हार्डेस्ट पार्ट पार्ट का नाम होता है इन बेटा जो हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का ये लिखा हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कार्ल्ड एनेमिल ये लिखा मैंने इनैमिल तो हमारे टीथ के ऊपर भी एक कैप एक कवरिंग चढ़ी हुई है बेटा टीथ जो हमारा होता है इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसको हम इनैमिल बोलते हैं ठीक है इनैमिल इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ये पॉइंट सभी बच्चे याद रखेंगे हमारी बॉडी में जो हमारी बक्कल के बैठी है इसमें फोर काइंडस ऑफ टीथ मौजूद होते हैं सब बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा छोटे क्लासों में सिक्स सेवन से बच्चे जाना शुरू कर देते हैं टीथ के बारे में सबसे पहले इंसाइजर ये है ये बड़े बड़े जो टीथ होते हैं ऊपर तो और नीचे दोनों तरफ तो अपर जा एंड लोअर जा दोनों में सामने के जो बड़े बड़े टीथ होते हैं इनको हम इंसाइजर कहते हैं इंसाइजर को फार्मूला इसका बताएंगे इसको शॉर्ट में स्मॉल आई से शो कर रहे हैं ठीक है फिर इन इंसाइजर के बराबर में जाओ तो ये आपको दिखाई दे रहा है नकीले धार दार दाँते दार भी स्पाइड में भी इंसाइजर के स्प्राइड में भी दोनों तरफ नुकीले धार धार दांत होते हैं नकीले होते हैं थोड़ा धार होते हैं ठीक है इनको हम कैनाइंस बोलते हैं इनका मेन काम होता है मांस को चीरना फाड़ना ठीक है जो मांसाहारी जंतु होते हैं मांसाहारी एनिमल्स हैं उनमें ये काफ़ी एक्टिव होते हैं तो ये कैनाइंस कहलाते हैं कैनाइंस को हम सी से शो करेंगे ठीक कैनाइंस टील फिर एक और होते हैं प्रीमोलर अब इन कैनाइं स्टील पहले तो ये इंसाइजर हो गया बेटा उनके बराबर में इधर दाएँ बाएँ दोनों तरफ हमारे कैनाइंस और कैनाइंस के और पीछे पर जाएंगे तो छोटी छोटी दाढ़ें शुरू होती हैं जिनको हम प्री मोलर कहते हैं शॉर्ट में इसको पीएम से शो करते हैं फार्मूले में ठीक है प्री मोलर टीथ और प्रीमोलर के बिल्कुल लास्ट में जाएँ तो मोटी मोटी दाड़ें आ जाती हैं जिनको मोलर टीथ कहते हैं या एम से शो करते हैं तो ओवरऑल हम देखा टीथ फोर काइंड्स ऑफ टीथ आर प्रजेंट नर बकल कैविटी इंसाइजर कैनाइंस प्रीमोलर और मोलर ठीक है अब इसका फार्मूले की बात होती है डेंटल फार्मूला कैसे लिखा जाए तो डेंटिशन में हम जो डेंटल फार्मूला लिखते हैं तो इसका मतलब फार्मूला कैसे हम समझाएंगे आपको अपर जा यानी ऊपरी जबड़ा अपॉन लोअर जा यानी ऊपरी जबड़े के दांत और लोअर जा निचले जबड़े के दांत तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा इंसाइजर ये हम सब पेयर में बता रहे हैं आपको जो फार्मूला शो कर रहे हैं इंसाइजर टू टू पेयर इंसाइजर अपर जा में होते हैं टू पेयर दो जोड़ी होते हैं दो सामने इनके बराबर चार टोटल चार ठीक है तो टू पेयर अपर जम होते हैं इंसाइजर और टू पेयर जो होते हैं लोअर जाम होते हैं ठीक है कैनाइंस वन पेयर अपर जैम होते हैं वन पेयर लोअर जाम होते हैं प्रीमोलर प्रीमोलर टू पेयर जो होते हैं अपर जैम होते हैं और टू पेयर लोअर जाम होते हैं मोलर्स जो बड़ी बड़ी दाड़ें हैं थ्री पेयर्स जो होती हैं वो अपर जाम है और थ्री पेयर लोअर जाम है तो इसे तरीका होता है लिखने का आई टू ओ पॉइंट टू सी वन पॉइंट वन और प्रीमोलर पी एम टू ओ टू ये पेयर्स में है बेटा मोलर थ्री ओ पॉइंट टू इन टू टू कर दिया क्योंकि ये पेयर्स में है अब इनको हम कलेक्ट करके इनको ऐड करते हैं अपर जामे कितने हैं टोटल हम जोड़ के बता रहे हैं आपको टू और वन जोड़ा थ्री थ्री में टू जोड़े फाइव फाइव में थ्री जोड़े एट तो हमने एट लिख दिया ऐसे निचले जबड़े में देखो लोअर जामे बेटा टू और वन जोड़ा थ्री थ्री में टू जोड़े फाइव फाइव में थ्री जोड़े एट एट नीचे लिख दिया तो एट हमारे एट पेयर अपर जामे है और एट पेयर निचले लोअर जामे इंटू टू जैसे ये इंटू टू था इंटू टू को पेयर में इसलिए इंटू टू लिख दिया हमने ठीक है अब यहाँ काट नहीं सकते मैथमेटिक्स नहीं एट से एट काट दिया जीरो कर दिया क्योंकि अपर जा में एट है एट पेयर और लोअर जा में एट पेयर है तो पहले इन पेयर पेयर को जोड़ लो आप पहली बार देखेंगे मैथमेटिक्स में ऐसा देखने को मिल रहा है कि एट प्लस एट जोड़ा जा रहा है तो सिक्सटीन इंटू टू यानी पेयर में है ना तो सिक्सटीन इंटू टू फिजिकल टू कितने हो गए बेटा हमारे थर्टी टू तो थर्टी टू जो होते हैं ये प्रेजेंट इन ये कहाँ मौजूद होते हैं बेटा दे आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन ये एडल्ट की बात कर रहा हूँ एडल्ट लोगों में मिलेंगे एडल्ट ह्यूमन में टोटल थर्टी टू टीत होते हैं अब आप समझ गए होंगे किस तरह से थर्टी टू टीत निकले मैंने एक फार्मूले के थ्रू वापस समझाया इसका डेंटल फार्मूला याद रखिएगा नीट वगैरह का, का एग्जाम में ये फार्मूला पूछा जा सकता है ठीक है तो हमने टीथ के बारे में डिस्कस करा बेटा अब हम बात करेंगे ये टंग की ये टंग दिखाई दे रही है नीचे मैंने ये लिख रखा है बेटा टंग क्या होता है टंग एक फ्लैट स्ट्रक्चर है बेटा पहले से पहले यहाँ समझाता हूँ इट इज़ अ फ्लैट स्ट्रक्चर चपटी मैं टंग अगर बाहर निकालूँ ऐसे करके ये फ्लैट स्ट्रक्चर है और ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है मसल्स की बनी है सेंसरी एंड मूवेबल स्ट्रक्चर है सेंसरी इसलिए क्योंकि अलग अलग तरह के स्वाद बताती है इसको सेंस बहुत है कोई भी चीज़ से टच हो जाएगी तो ये उसके बारे में हमें तो हमको नॉलेज हो जाएगी बता बता देगी फ़ौरन तो ये ध्यान रखना ये फ्लैट स्ट्रक्चर है मस्कुलर भी है सेंसरी ऑर्गन भी है और मूवेबल भी है यानी अगर टंग को मैं देखूँ मूव कर सकता हूँ इधर दाएँ बाएँ ऊपर नीचे सब तरह ठीक है तो आसानी से मस्कुलर भी है सेंसरी भी है और मूवेबल भी है टंग हैविंग टेस्ट वर्ड हमारी टंग पर जो है कई सारे टेस्ट वर्ड मौजूद होते हैं एक्चुअली पेपली मौजूद होते हैं पैपली के अंदर टेस्ट वर्ड होते हैं जो टेस्ट वर्ड हमारी टंग पर होते हैं द टेलर सम टेस्ट वो हमको कुछ टेस्ट बताते हैं कौन कौन से टेस्ट बताते हैं टेस्ट बर्ड हमको स्वीट टेस्ट बताते हैं मीठा मीठा स्वाद शोर खट्टा स्वाद नमकीन या साल्टी स्वाद बताते हैं और बिटर यानी कड़वा स्वाद बताते हैं तो अलग अलग तरह की पैपलीज हैं जो डिफरेंट टेस्ट और बताने में हेल्प करती हैं जैसे स्वीट टेस्ट कौन बता रहा है हमको फंजी फॉर्म पैपली अभी मैं एक डायग्राम बना के शो करूंगा जैसे सोर और साल्टी दोनों टेस्ट कौन बताता है एक होती है फोलिएट पैपली बेटा टेस्ट कौन बताता है सरकम वेलेट पेपली इसको मैं डायग्राम बना के शो करूंगा तभी जल्दी आपको समझ में आएगा ये हाँ जो मेरी जगह है यहाँ थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर मैं एक टंग बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए देखिए इस तरह की टंग का पोर्शन एक पोर्शन शो कर रहा हूँ टंग मान लीजिए टंग का पोर्शन है इसमें आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारी ये पेपलीज़ लगी भी हैं इस तरह से लाइक दिस ये सब पैपलीज लगी होती हैं बेटा इस तरह से ऐसे बेटा ये पेपलीज़ लगी होती हैं आप देख सकते हैं इस तरह से ठीक है इसी तरह अगर हम पिछले वाले पार्ट में जाए टंक के पीछे के हिस्से में जाए यहाँ पर तो एक ये उल्टे वी के शेप की ऐसे वी शेप ऐसे एक पैपली लगी होती है इनके नाम बता दूँ आपको कौन कौन सी पैपली होती है यहाँ आपको जिक्र करते हैं सबके नाम लिखते हैं क्या करके बेटा ये जो पैपली जो उल्टा वी इन्वर्टेड वी शेप बन रही उल्टे वी की तरह बन रही है इनको हम सरकम वैलेट पैपली कहते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है नाम जो हमें बिटर टेस्ट बताएंगे सरकम वैलेट ये सरकम वैलेट पैपली है पैपली विशोदा बिटर टेस्ट ये हमारी बॉडी में जो हमारी टंग जैसी टंग से कोई भी फूड टच होता है तो ये वाली पैपली हमको बेटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद बताती है ठीक है अब हम बात करेंगे सबसे पहले ये आगे जो हमारी टिप होती है टंग की जो टिप है बेटा आगे की टिप तो यहाँ जो पैपली लगी होती है इनको बोलते हैं फंजी फॉर्म पैपली क्या नाम बेटा फंजी फॉर्म ये फंजी फॉर्म पैपली कहलाती हैं इन फंजी फॉर्म पैपली पे जो टेस्ट होंगी वो स्वीट टेस्ट स्वीट टेस्ट बताती हैं वही लगा देंगे स्वीट so, टेस्ट कौन बताता है फंजी फॉर्म पैपली बेटा ठीक है इसके अलावा ये साइड बाई साइड इधर ये साइड से लगी है। ये फोलिएट पैपली है फोलिएट यह मैं लिख दे रहा हूँ फोलिएट पैपली ये फोलिएट पैपली हमको क्या बताती है दो तरह का टेस्ट बताती है बेटा सोर एंड साल्टी तो इनसे हमें सोर एंड साल्टी दो तरह का टेस्ट पता चल जाता है सोर एंड साल्टी यानी नमकीन ठीक तो ये हमने आपको बताया कि स्वीट टेस्ट कौन बता रही थी फॉर्म फंजीफार्मली ये फंजी फॉर्म पैपली जो हमारी टंग टंग के ट्रिप पर एंटीरिया पार्ट पे लगी होती हैं और साइड से लगी होती हैं लेटरल साइड में वो फोलियड पेपली वो सोर और साल्टी टेस्ट बता रही हैं और टंग के पीछे वाले हिस्से में बिल्कुल अंदर पीछे की तरफ को ये उल्टे वी की तरह इन्वर्टेड वी शेप स्ट्रक्चर में लगी होती हैं ये सरकम वैलेट पेपली जो बिटर टेस्ट यानी कड़वा स्वाद बताती हैं तो चारों स्वाद हमने देख लिए टेस्ट देख लिए कड़वा स्वाद सरकम वैलेट पेपली बता रही हैं मीठा स्वाद जो होता है वो हमें कौन बताता है फंजी फॉर्म पैपली और ये खट्टा और नमकीन स्वाद कौन बता रहा है फोलिएट पैपली इसके अलावा यहाँ पर एक ये हिस्सा सामने का हिस्सा टंग के लिए पीछे ये यहाँ एक फिली फॉर्म पैपली भी होती है फिली फॉर्म इनके बारे में बता दूँ आपको फिली फॉर्म पैपली जो होती हैं इन पर कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं होती लिख देना यहाँ पे नो टेस्ट वर्ड नो टेस्ट बर्ड्स इन पे किसी भी तरह की टेस्ट बर्ड नहीं होती अर्थात फिलीफॉर्म पेपली किसी भी तरह का स्वाद ग्रहण नहीं करती कोई भी स्वाद हमको नहीं बता पाती कोई भी चीज़ हम जैसे मुंह में लेते हैं और जुबान को बाहर निकाला अपनी टंग को और यहाँ ऐसे रखेंगे सामने कोई भी टेस्ट नहीं आएगा जब वो मुँह चलाएंगे तो उससे ये अलग अलग पेपली टच होंगी फूड से अलग अलग तरह के टेस्ट हमको पता चल जाएंगे ठीक है ये ध्यान रखेंगे तो मैंने ये टंग वाला पोर्शन डिस्कस किया एक पॉइंट इसमें रह गया था बताना कि टंग डायरेक्टली अटैच विद द फ्रेनुलम लिंगुआ एक स्पेशल टाइप का फोल्ड कनेक्टिव टिश्यू टाइप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जो हमारी टंग को जोड़ रहा है उसका नाम है फ्रेनुलम लिंगवा यह एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए मैं दिखाता हूं आपको कहां लगा है। है। है जो जो होता, होता है टंग देखिए यह टंग है अब मैं इसको निचला हिस्सा दिखाता हूं यहां उठा रहा हूं ऊपर टंग जिस जगह अटैच है जो फ्लोर जो हमारा फर्श वाला टंग का यह ऊपर रूफ होता है नीचे फ्लोर होता है फ्लोर वाले हिस्से में जहाँ छोटी सी एक बीच में लाइन दिखाई दे रही है कनेक्टिव टिश्यू की लाइन जहाँ पे टंग अटैच है उससे दिस इज कॉल्ड फॉर एनुलम लिंगवा टंग डायरेक्टली अटैच विद द कनेक्टिव टिश्यू फोल्ड नोन एज फॉर एनुलम लिंगवा इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर मस्कुलर सेंसरी सेंसरी एंड मूवेबल स्ट्रक्चर इट है टेस्ट बट के बारे में आपको बताया थोड़ा सा एक जिक्र और करेंगे सेलिवरी ग्लैंड का ही बेटा हमारे बकल कबेटी में सेलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है दिस सिक्रिट सेवा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है सलेबा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेलेविर ग्लैंड ऑलवेज सिक्रिट सले सलेवा सिक्रिट करती हैं सेलेवर ग्लैंड हमारी बॉडी में थ्री पेयर्स होती हैं तीन जोड़ी बेटा थ्री पेयर्स कौन कौन से एक तो पैरोटेड पेरो, ग्लैंड होती हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड होती हैं सब लिंगुअल ये वाली सब लिंगुअल ठीक हम पैरोटेड ग्लैंड की बात करें इनका पोजिशन कहाँ होता है बॉडी के अंदर दे प्रजेंट बिलो द ईयर्स ये हमारे जो कान है ये दोनों ये और ये दोनों ईयर्स ईयर्स के बैक साइड जो पीछे अंदर यहां अंदर तरफ यहाँ बक्ल के बैठी ईयर के बैक साइड में बिलो थोड़ा सा नीचे ईयर के थोड़ा सा नीचे यानी ये सा समझ लीजिए आप ये ईयर है ईयर ईयर के बैक साइड ये नीचे की तरफ थोड़ा लगी होती है यहां पर इस जगह पर ईयर ये है इनसे थोड़ा बिलो नीचे की तरफ लगी होते हैं ठीक है तो पेट्रोलेंट प्रेजेंट बिलो द ईयर्स ईयर्स के नीचे लगी होती हैं कानों के नीचे लगी होती है बेटा ये ध्यान रखना और कभी कभी ये ग्लैंड स्वेल कर जाती हैं अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में दिस ग्लैंड आर स्वेल दैट्स वाई दे कार्ल्ड डिजीज कार्ल मम्स उस बीमारी को हम मम्स कहते हैं तो कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर तो ये पैराटिल ग्लैंड थोड़ी स्वेल कर जाती हैं स्वेल करने दर काफ़ी दर्द भी होता है यहाँ और एक बीमारी भी आती है जिसको हम मम्स कहते हैं या हिंदी में बोलते हैं गलसुआ रोग गलसुआ यानी यहाँ बहुत पेन होता है ठीक है पैराटल ग्लैंड के स्वेल करने से अब हम बात करेंगे

लाइसोजाइम का मेन काम होता है जो हम फूड मुंह में अपने रखते हैं खाने के लिए हम मुँह को चबाते हैं फूड को चोइंग करते हैं तो फूड अच्छे से सलाइवा में मिक्स हो जाता है और सलाइवा में ये जो एंजाइम लाइसोजाइम था इसका काम होता है दे किल द बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया को किल करेगा जो फूड हमारी बॉडी में गया है जिसको हम चबा रहे हैं और जब सेलेवेरी ग्लैंड से निकलने वाली सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है फूड में तो उसमें मौजूद लाइसोजाइम एंजाइम उस फूड में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है किल कर देता है ठीक है अब जो बचा टाइलिन एंजाइम या जिसका दूसरा नाम सेलिवरी एमाइलेज भी है ये क्या काम करेगा ये भी स्लेब एम होता है इसका नाम टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है नीट में तो टाइलिन या सेलिवरी एमाइलेज इंजाइम का मेन काम होता है हमारे फूड में मौजूद जो स्टार्च है उसको वो शुगर में अर्थात माल्ट्रो तो शुगर में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च कन्वर्ट स्टार्च कन्वर्ट इन टू शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ सेलिवरी एमाइलेज तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हैविंग टू एंड टाइलिन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड एंड टाइलिंग याज क्या काम करते हैं दे कन्वर्ट स्टार्च इन टू शुगर स्टार्च को शुगर में यानी माल्टो शुगर में कन्वर्ट करते हैं ताइ हो ये वीडियो ये डायग्राम जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा बच्चों उम्मीद करता हूँ ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छा टॉपिक है उसको अच्छे से तैयार करें एम सी क्यू कहीं मिल सकते हैं यहाँ से अगर मेरा वीडियो बेटा आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन का बटन